हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ वो है एक बेबी प्रोडक्ट। ये है जॉनसन्स बेबी लोशन 24 आवर मॉइस्चराइज फॉर हेल्दी फीलिंग स्किन। ये प्रोडक्ट है जॉनसन्स एंड जॉनसन्स का। इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है 100 ml, तो इससे बड़ा पैकेजिंग में भी ये आपको मिल जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके पैकेजिंग की। तो कुछ बेबी पिंक कलर के पैकेजिंग में ये हमें मिलता है और इसका जो प्रोडक्ट है वो भी हल्का लाइट पिंक में ही मिलता है। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट जॉनसन्स के कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उनकी पैकेजिंग कुछ इसी हिसाब किताब की होती है। यहाँ पे दिया हुआ है क्लेम्स कुछ, वी लव बेबीज, जॉनसन्स बेबी लोशन हैज़ बीन इम्प्रूव्ड टू स्लो डाउन मॉइस्चर लूज बाय हाइड्रेटिंग स्किन, लॉकिंग इन मॉइस्चर एंड क्रिएट अ प्रोटेक्टिव बैरियर टू कीप मॉइस्चर इन एंड ड्राइनेस आउट फॉर अप टू 24 आवर्स, कीप इट फील हेल्दी एंड बेबी सॉफ्ट। यानी कि ये बेबी के स्किन में जाके मॉइस्चर लॉक हो जाता है और काफ़ी देर तक उनके स्किन को मॉइस्चराइज करता है, डिहाइड्रेट होने से रोकता है। तो कुछ इस तरीके से इसकी ओपनिंग है दोस्तों, इस तरीके से ये खुल जाता है। काफ़ी ट्रेवल फ्रेंडली है, इजिली आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। बहुत अच्छी पैकेजिंग है इसकी। अब यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, वाटर, ग्लिसरीन, ग्लिसराइल, स्टेरिएट, सेटराइल अल्कोहल और ढेर सारे केमिकल्स, फ्रेग्रेंस भी इसमें एडिशनल है। तो आपको इसमें कुछ भी हर्बल देखने को नहीं मिलेगा। और 85 रुपीज़ में 100 ml का पैक मिलता है और 150 में मिलता है 200 ml का पैक। इसकी जो ऊपर की आउटर कैपिंग है वो कम्प्लीटली ओपन हो जाती है। जब हमारा प्रोडक्ट बहुत कम बचता है तो आप उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल बेबी पिंक कलर का इसका प्रोडक्ट है। अब मैं इसको अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ कि इसके क्रीम का टेक्सचर कैसा है। मेरा प्रोजेक्ट थोड़ा सा हो गया है ख़त्म, इस वजह से इसको निकलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। फिर भी मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ। हम इसको सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट एंड स्मूथ है, साथ ही साथ ये कितने इजली मेरे स्किन में एब्जॉर्व हो गया कम्प्लीटली। तो अगर आप में से किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसको समर में, विंटर में एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं और बेबी के फेस पे, बॉडी पे, दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है इसके फाइनल रिव्यू की। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ हर्बल यूज़ करना है तो डेफिनेटली इसमें कुछ भी हर्बल नहीं है। अदरवाइज ये क्रीम बहुत सॉफ्ट है, बॉडी बेबी की बहुत काफ़ी देर तक मॉइस्चराइज करती है और काफ़ी ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। तो अगर दोस्तों ये मेरा छोटा सा रिव्यू आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।